इंटरनेट पर रिसर्च करते करते हाल ही में हमें एक ऐसे फार्मर के बारे में पता चला जिन्होंने अपने अंगूर के फार्म में रेस्टोरेंट स्टार्ट किया, और ये ज्यादा जमीन नहीं है, 2 एकड़ का फार्म है, और ये देखते ही देखते पूरे इंटरनेट में वायरल हो गया है। और जब मैंने क्लोजली जाके इसको ऑब्जर्व किया तो ये नकली प्लास्टिक के अंगूर नहीं थे, ये एक्चुअल के असली अंगूर थे। तो ये अंगूर के खेत को मैनेज करना और उसी के नीचे रेस्टोरेंट को चलाते रहना, ये अपने आप में बहुत बड़ा हुनर है। और ऐसे ही हुनरमंद किसानों से किसान बिजनेस क्लिनिक आज आपको साक्षात्कार करा रहा है। तो चलिए आइए देखते हैं कि कैसे एक साधारण किसान अपने खेत को एक एग्रो टूरिज्म के स्वर्ग में बदल सकता है। हेलो दोस्तों, मैं विवेक हतराज, फाउंडर और क्रिएटर किसान बिजनेस क्लिनिक। तो ऑर्गेनिक तरीके से एग्रो टूरिज्म कैसे सक्सेसफुली किया जाए, अगर ये आपको समझना है तो आज हम आपको एक ऐसे किसान से मिलाने जा रहे हैं जिनके पास सिर्फ 2 एकड़ का जमीन था, और 2 एकड़ के जमीन को उन्होंने कितना मेटिकुलस तरीके से, बहुत ही प्लान तरीके से उन्होंने इसको एक एग्रो टूरिज्म का थीम फार्म बना डाला है, जिसकी वजह से चाहे उनके लिए ऑफ सीजन हो जाए चाहे उनके लिए ऑन सीजन हो जाए, तो उन्होंने एक स्टेबिलिटी अपने इस फार्मिंग के बिजनेस से कमा ली है। तो मैं आज आपको मिलाने जा रहा हूँ नासिक के बहुत ही फेमस एक फार्मर से जिनका नाम है किरण पिंगले जी, और इन्होंने अपने लेस देन 2 एकर्स के फार्म पे ये सारी चीजें पॉसिबल करके दिखाई है। कोविड के सीजन में सब एग्रीकल्चर बिजनेस में बहुत पैनिक सिचुएशन था, तब मैं आपको फॉलो कर रहा था। कोविड में अपना जो एग्रीकल्चर इनपुट है उसका मार्केटिंग कैसे किया जाए, उससे आपके चैनल के थ्रू मुझे बहुत हेल्प हुई। मेरा जो अंगूर का जो ये था, और अंगूर के सीजन में बेसिकली लॉकडाउन हुआ था, तो वो हमने बहुत दिक्कत का सामना किया था वो टाइम। तभी से जाके मेरे दिमाग में कुछ चल रहा था कि कुछ ऐसा किया जाए, कैसा भी सिचुएशन हो तो कुछ ना कुछ इनकम खेती से आती जाए। जैसा कि आपके भतीजे जो ये पूरे मैनेजमेंट संभाल रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि आप लोग का ना रेस्टोरेंट का कोई बैकग्राउंड रहा था, उसके बावजूद भी आपने कैसे 1 साल के अंदर इतने सक्सेसफुल मॉडल को नासिक में आपने एस्टैब्लिश किया, वो भी कोविड के दौरान जहाँ पे सारे रेस्टोरेंट्स बंद हो रहे थे। एक्चुअली हम तो फार्मिंग बैकग्राउंड से आते हैं, और अंगूर की नासिक 2 चीज़ों के लिए फेमस है, एक तो ग्रेप्स यानी अंगूर, और मिसल जो ब्रेकफास्ट ब्रंच मेनू है। तो हमारे पास तो अंगूर तो था, और मिसल का थोड़ा सा मेरी मिसेस और मेरी बहन वो बहुत अच्छा बनाती थी, तो वो हिसाब से हमने सोचा था कि कुछ क्यों ना इन दोनों को कॉम्बो बनाया जाए। तो अंगूर की खेती तो पहले से ही थी, तो उसका कुछ मॉडर्न एग्रीकल्चर ट्रिक्स यूज करके उसको थोड़ा हिट दिया हमने। 2 साल उसके ऊपर थोड़ा एक्सपेरिमेंट किया, इसमें यील्ड आता है, यील्ड आने के लिए क्या क्या की चीज़ें जरूरी है, उसमें वो क्या प्रैक्टिसेस और एड ऑन करनी चाहिए, वो सब से देख के 2 साल बाद वो सक्सेसफुल यील्ड दिखना शुरू हो गया, तो हमने ये बिजनेस चालू किया। और अंगूर के रूप के नीचे तो फिर सीटिंग डाल के, यानी मॉर्निंग ब्रंच जो मिसल जो अभी हम सर्व कर रहे हैं वो शुरू किया, और उसमें बाकी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज भी है जो आप पीछे देख रहे हैं, बुलक कार्ट राइड है, ट्रैक्टर बैरल राइड है, ये सब जुगाड़ू है, इधर की चीजें सब यूज करके यही पे बना हुआ है। तो मोस्ट लाइकली मैंने जो आपका देखा था कि आपने ये सारे जो राइड्स है ये फ्री में करके रखे ताकि कस्टमर को अट्रैक्ट कर सके, राइट? और अट्रैक्ट करने के बहाने एटलीस्ट ज्यादा से ज्यादा लोग आ रहे हैं इस फ्री राइड के बहाने से ही, सही? और एटलीस्ट कुछ ना कुछ एक्टिविटी करने के बाद आपके रेस्टोरेंट में दिमाग में ये था, जब कोई भी राइड पेड हो ना तो लोग बच्चों को ज्यादा प्रेफरेंस देते है, बच्चों की जिद होती है इसलिए वो उनको बिठाते, लेकिन फ्री की वजह से बच्चों से ज्यादा बड़े इसका आनंद ज्यादा ले रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे आने वाले सब बड़े हो बुजुर्ग हो सब उसका आनंद ले रहे हैं। तो यहाँ पे अभी जो जब आप शुरुआती दौर में थे और आपके पास लिमिटेड लैंड था, मान लीजिए 2 एकड़ का लैंड से आपने स्टार्ट किया, तो
आपको क्या लगा हो कि ये जो नया जो कॉन्सेप्ट है, जो आपने 6 फीट के हाइट तक जो अंगूर आता था उसको आपने बढ़ा के 10 फीट पे ऊपर चढ़ा दिया, तो उसमें आपके शुरुआती दौर में क्या इनसिक्योरिटीज थी, कि क्या चीज़ का डर था आपके मन में? स्टार्टिंग चैलेंजेस तो बहुत थे, अभी वो नॉर्मल पहले ऐसा किसी ने किया नहीं था, हम ही पहले थे। आपके पास कोई रेफरेंस पॉइंट भी नहीं था इसको देख के बनाए या किस करें जी? तो 2 साल उसमें हमको सीखने में ही गए, अभी भी सीख ही रहे जी। सबसे अच्छा चीज़ सर का यहाँ पे ये लगा कि सर सारे चीज़ों को एज अ स्टूडेंट की तरह हर दिन नया नया चीज़ें सीख रहे हैं और उसको इम्प्रोवाइज करते जा रहे हैं, और शायद से इसी वजह से वो काफ़ी वायरल भी हुए थे। तो वो सारे जो नए इनिशिएटिव लिए जाते हैं, इन्होंने इसमें सबसे जो बड़ा चीज़ है सर्वाइव और सस्टेन करने का जो कला है वो इन्होंने इसमें सीखा हुआ है। तो ये जो कौन से कारण थे जिसके वजह से नॉर्मल जो किसान अगर एग्रो टूरिज्म करने का भी सोचता है अपने लिमिटेड लैंड के, मान लीजिए 2 एकड़ के लैंड पे, तो कहाँ कहाँ पे आपको भी दिक्कतें आई और आप हमारे व्यूअर्स को भी रेकमेंड करते हो कि वो इन चीज़ों से बच के रहे? थोड़ा ये बेसिकली एग्रो टूरिज्म है तो खेती है, समझो बेसिक थिंग पे आप ध्यान दो। वो जो आने वाले जो कस्टमर है यानी वो क्लाइंट है या गेस्ट है उनको क्या चाहिए, थोड़ी भीड़ भाड़ से कुछ अलग चाहिए, पीस शांति चाहिए और नेचर चाहिए, उसी पे ध्यान दो, उसी पे फोकस करो और वही दो जी। Okay. और शायद से इसी वजह से 1 साल के दौरान ही इन्होंने पूरा वायरल हो गए और मार्केट में इतनी अच्छी पकड़ बनाई, जो कि बड़े बड़े अच्छे रेस्टोरेंट भी इतना लाखों रुपए खर्च करके भी उतना नहीं कमा पाते। 3 अच्छी चीज़ें जो आपसे सीख सकते हैं वो क्या होगा सर? हमने जब शुरू किया था हम 100-200 लोगों को कैटर करेंगे वो हिसाब से शुरू किया था और प्लानिंग भी वैसे ही बनाया था, तो 100-200 के हिसाब से सैटरडे संडे में एक बार 800-1000 लोग आने लगे, तो पूरे सिस्टम पे लोड आने लगा, तो प्लान भी आपके पास रेडी होना चाहिए। मतलब ब्रेकिंग पॉइंट तक आप आ गए कि भाई अब क्या होगा, मान लीजिए आपने 200 की तैयारी की थी और 1000-2000 लोग आ रहे हैं, तो वो एक ब्रेकिंग पॉइंट तैयारी नहीं थी। वहाँ पे हम बहुत सफर कर रहे थे जी। किसी चीज़ को एक 10 रुपये लगने वाले तो 20% अमाउंट थोड़ा कोविड की वजह से सब चीज़ों में ऊपर नीचे हो रहा था। ओके, तो जहाँ 10 रुपये का एस्टिमेशन करके चले थे वहाँ पे और 2 रुपये ज़्यादा, मतलब 12 रुपये लग रहा था 10 रुपये का बंदा, तो वो एक एक्स्ट्रा कॉस्ट था जो कि आपके अनुमान से बाहर चला गया था, तो ऑब्वियसली उसमें दिक्कत आई। और तीसरी? और सर्विस, ये बेसिकली बिजनेस है, सर्विस बिजनेस है और मैन पावर, मैन पावर बहुत ज्यादा लगता है। मैन पावर ऐसी चीज नहीं है कि आज बोलोगे और कल लेके आओगे, उसके लिए प्री प्लानिंग बहुत जरूरी है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसका मतलब बजटिंग भी आपको करनी है, मैनेजमेंट भी आपको संभालना और मैन पावर को भी आपको देखभाल करना, क्योंकि ये क्या सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है, मैन पावर जी। तो मैन पावर इंटेंसिव ये सेक्टर है, चाहे वो फार्मिंग हो चाहे वो रेस्टोरेंट का बिजनेस हो, दोनों ही मैन पावर इंटेंसिव है, तो यहाँ पे इस चीज को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और आपका प्राइस पॉइंट भी देखा, काफी नॉमिनल आपने रखा हुआ है, तो आपने वॉल्यूम पे खेल रहे हैं, सो दैट वॉल्यूम पे क्राउड आएंगे, तो वहां से तो माँ लक्ष्मी बोलते हैं ना कि हाथ में ऐसे जब करती है आशीर्वाद देती है तो कॉइन निकलते हैं, तो वो भी सिखाते कि छोटे छोटे अमाउंट पे बड़ा बड़ा सक्सेस आता है। सो थैंक यू सर, आपको आप इस वीडियो में आए, हमारे को समय दिया और रियली हमारे जो व्यूअर्स है, व्यूअर्स आप लोगों में से ही एक हमारे ये सर व्यूअर रह चुके हैं किसान बिजनेस क्लिनिक का, और ये हमको भी जान के ताज्जुब हुए कि ये भी हमारे वीडियो देख चुके थे जहाँ पे ऑर्गेनिक एग्रो टूरिज्म को लेके हम लोग काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बताते हैं। और रियली थैंक यू सर, आप हमारे को आपने हमें मौका दिया जी, आपको भी कई दिन से आपका शुक्रिया। अगर आप फार्मिंग स्टार्ट करने से पहले अपने फार्मिंग प्रोजेक्ट का एक बिजनेस वायबिलिटी चेक कराना चाहते हो, या फिर अपने फार्मिंग के नए आइडिया कॉन्सेप्ट या थीम को डबल चेक करके ट्रिपल वैलिडेट करना चाहते हो ताकि फार्मिंग में आपका पैसा डूब ना जाए, या फिर आप ये जानना चाहते हैं कि आपके एरिया में अगर आप फार्मिंग का बिजनेस कुछ करते हैं तो वहाँ पर आपकी मोनोपोली कितने दिन तक बनी रहेगी, या फिर सीरियसली आपको एक प्रोफेशनल मदद की ज़रूरत है जिसके वजह से आप अपने ऑर्गेनिक फार्म को स्टार्ट और डेवलप कर सको, सो इन दैट केस आप हमारे इस दिए हुए नंबर पे फ़ोन करके ये सब कुछ जान सकते हैं। धन्यवाद।